नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी और बहुत ही खुशी की खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, नेपाल का जो क्रिकेट स्टेडियम है गौतम बुद्ध इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, उसमें पहला गेम खेला जा चुका है। उसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या कंस्ट्रक्ट कंप्लीटली पूरा हो गया है या कुछ बाकी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल के प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये एक आशा की किरण है। इसके अलावा अगर बात करें क्रिकेट फैंस का, जिसका सपना था, जिनका और जिन्होंने इस कंस्ट्रक्ट को बनाने के लिए इतनी मेहनत की या फिर इस कंस्ट्रक्ट को लाने के लिए जितनी मेहनत की गई, उसकी भी हम काबिलियत तारीफ कर सकते हैं। क्योंकि लोगों ने धरने प्रदर्शन करके या फिर लोगों ने नई नई जगह पर जाकर इस कंस्ट्रक्ट के बारे में जो भी इसके फायदे थे, जिस हिसाब से क्रिकेट टीम को डेवलप किया जा सकता है, उस सभी को बताकर एक कंस्ट्रक्ट रेडी किया। और जैसे ही ये शुरू हुआ तो यहाँ पे एक किरण जगी और जो यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्ट था गौतम बुद्ध इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, वो जुलाई 2020 में 15% वर्क डन पर पूर्ण हो गया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे अड़चने आने लगी और फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत कोलैबोरेशन और करके इसे 30% तक पहुँचा दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर से प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम, यानी कि इस कंस्ट्रक्टर में काफी ज्यादा रुपया इन्वेस्ट होने वाला था और वो कहां से लाया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद दोनों कंपनियों ने काफी ज्यादा मेहनत के बावजूद, अलग अलग तरह के प्लान्स के बावजूद इस कंस्ट्रक्ट को पूरा करने की ठान ली और अभी ये कंस्ट्रक्ट पूरा होने को ही है। जी हां दोस्तों, अभी तक कंप्लीटली पूरा नहीं हुआ है लेकिन ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर अब फंड बहुत ज्यादा इकट्ठा हो चुका है। इसके अलावा जो सरकार है वो भी हेल्प करने के लिए तैयार है इस कंस्ट्रक्ट को लेकर। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि पहला मैच इस यहां पे गौतम बुद्ध इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा चुका है, जो कि किन के बीच हुआ था और कैसा हुआ था। तो दोस्तों, पहला मैच इस क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जा चुका है और वो यहाँ पे काठमांडू के स्कूली स्टूडेंट यानी कि अंडर 14 के बीच ये मैच हुआ था और काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन किया था इस मैच ने। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ रिपोर्टर्स भी जुड़े थे ताकि इस जो कंस्ट्रक्ट चल रहा है उसको वायरल किया जा सके और बताया जा सके दुनिया को कि जो गौतम बुद्ध इंटरनेशनल स्टेडियम है वो खेलने लायक हो चुका है और ट्रायल परीक्षण बाकी है। यानी कि बच्चों का ये मैच काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा था और इसके अलावा जब बच्चे खेल रहे थे तो पिच का अनुसरण भी किया जा सकता था कि पिच एकदम सेट सूटेबल है एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के तौर पर देखा जाए तो। इसके अलावा इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, 40 से लेकर 45 हज़ार यहाँ पे लोग इसमें ऑडियंस के रूप में आ सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे विकसित हम कह सकते हैं इस क्रिकेट स्टेडियम को। और दूसरी बात सबसे ये बड़ी ये है कि ये जो यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है वो नेपाल के लिए एक नया जीवन भी कह सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ा यहां पे फायदा होने वाला है। उनको ट्रायल का मौका मिलेगा, उनके मैच के लिए यहां पे ऑडियंस जुटेगी और इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे तो यहां पे विदेशों से भी काफी ज्यादा लोग आने वाले हैं। तो यहां पे सबसे बड़ी खुशी की बात यही थी कि इस पर पहला मैच खेला जा चुका है स्टूडेंट्स के द्वारा और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। दूसरी बात यहां पे बड़ी ये भी निकल कर आ रही है कि जैसे ही ये कंस्ट्रक्ट शुरू होगा तो यहां पे इंटरनेशनल मैच जल्द ही करवाने का कार्य किया जाएगा, सरकार इसमें हेल्प भी करेगी। तो अगर हम सोच सकते हैं कि इंटरनेशनल मैच होगा तो इंटरनेशनल लोग भी आएंगे, फॉरेनियन लोग भी आएंगे, जो कि काफी ज्यादा यहां पे फायदे का सौदा हो सकता है, या फिर हम ऐसे कहें कि नेपाल के टूरिज्म को भी इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। आपकी क्या राय है इसके बारे में, अपने विचार को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।